निकाल के भी मेरे लाइक 4500 डॉलर दो दिन में पड़ जाते थे। दो दिन में 4500 जो लोकल ट्रिप्स हैं, एक नहीं दस नहीं सौवों लोड पड़े हुए हैं लोकल भी। अगर आपने लोकल रहना तो लोकल आप टाइम और डेट नोट कर लें, जनवरी 21st और 6:21 हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोस्त आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया है और मैं इस दुआ के साथ ये व्लॉग शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत में तंदुरुस्ती और रिज़्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा। इस वीडियो में जिस तरह आपने देखा कि हमने ये जो ट्रिप स्टार्ट किया अराउंड सुबह 6:20 पे ही हमने ट्रिप स्टार्ट किया। अब इस टाइम हम जैसप मैरीलैंड में पहुंचे हैं। हम यहाँ पिकअप पे पहुंचे हैं और आज हम लोकल स्टे करेंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि जब ये ट्रक ले लें 18 व्हीलर्स तो हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट बल्कि 5वीं 10वीं स्टेट जाना पड़ता है और अराउंड 3000-4000 माइल तक हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल गलत, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ये बिल्कुल छोटा सा ट्रिप है ये जो हमने उठाना है यहाँ से जैसप से और बाल्टीमोर उतारना है, और ये इसकी ड्राइव जो है 30 माइल्स लोडेड होगी। यहाँ से उठाएंगे लोड उठा के हाफ एन आवर तक उधर पहुँच जाएंगे, लोड उतारेंगे और इंशाल्लाह आज इसी दिन हम आपको डेट और टाइम भी बताएंगे जब हम यार्ड में वापस पहुँच जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई सही है कि आपको इस ट्रक लेने के बाद दूर जाना पड़ता है, कि आप लोकल रह के बियर नहीं कर सकते हैं। जो ट्रक खड़ा है ना ब्लू वाला, उसने बोला कि जब वो निकलेगा तो आपने उधर ट्रक बैक करके लगा लेना। फेंस है नज़दीक है, इतना दूर नहीं है, तो हमने यहाँ से बैकिंग शुरू करनी है, होते 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 यहाँ पे लगा देना। हमें भी ये भी डाक खा दी, पता नहीं उसने इतना टाइट डाक क्यों दे दी, तो लेट्स सी जब वो निकलेगा तो बैकिंग हम उधर लगा देंगे इंशाल्लाह। दोस्त कुछ पूछते हैं जी कि जब ट्रक ले लें तो 5-5, 7-7 दिन बंदा घर वापस नहीं आता, तो मैं जस्ट इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बात गलत है। ये पंजाबी की कहावत नहीं सुनी आपने कि जितना गुड़ पाओगे उतनी मीठा होना जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है उनकी कि आप जितना चलेंगे इसमें उतनी अर्निंग होगी। ज़रूरी नहीं कि आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाहर ही रहें, सुबह जाएँ शाम से पहले आपको वापसी भी हो सकती है। तो मैं आज आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, सुबह हम निकले हैं 6:20 पे तो शाम को इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी। और जो लोकल ट्रिप्स हैं, एक नहीं दस नहीं सौवों लोड पड़े हुए हैं लोकल भी। बड़ी सर्दी हो, हम पिकअप वाली जगह पे पहुंचे तो ये हमारे देसी भाई लगते हैं, आए इनसे बात करते हैं। पहले आप इनका ट्रक देख लें, आए आप इनसे बात करते हैं कि कितना अर्सा हो गया ट्रकिंग में और कैसा आपको लगा ये देसी। जी
दोस्तों, मैं जब जैसा पाया तो मुझे एक दोस्त मिले हैं बहुत ही प्यारे, अब इंडिया के इनसे तलक है, तो आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप कितना अर्से हो गए इस ट्रैकिंग में और आपका क्या एक्सपीरियंस है और कहाँ कहाँ पे आप लोड लेके जाते हैं और आते हैं ना, तो आइए इनसे मुलाकात कराते हैं। सत श्री अकाल भाई जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है जी। हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूँ। और इधर आप किस जगह पे रह रहे हैं, किस स्टेट में? मैं भाई 13 साल कैलिफोर्निया रहा, लॉस एंजलिस में। और अब मेरे को मोर देन 3 इयर्स यहाँ पे जैसल में हो गए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। कैलिफोर्निया में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, जो टेम्परेचर, मौसम के क्या हालात? मौसम तो ब्यूटीफुल है जी कैलिफोर्निया का, जो अपना इंडिया का है। क्या बात है, क्या बात है। और ट्रैकिंग के हिसाब से वो कैसी स्टेट है कैलिफोर्निया? सुना तो बहुत ज्यादा ट्रक चलते हैं जी। ट्रक तो सारी जगह ही है जी, पर जो बंदा कैलिफोर्निया रहता है उसको 1.5 माइल ज्यादा पड़ती है, जैसे 200 तो आम लगाई लो आप, जब बेकरफील्ड फ्रिजनो तो जाना ही पड़ता है। जैसे आजकल तो आपको यूमा मोर देन 300 माइल जाना पड़ता है। ठीक। और प्राइस भी आजकल क्या है, 8085 है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैं लोकल काम कर रहा हूँ यहाँ से, न्यू जर्सी स्पार्टनेस कंपनी है, एक कोडलाइनर कंपनी है, वो हमको यहाँ से 200 माइल का वन पिक वन ड्रॉप, कभी उनके लोड 1800 के होते हैं, कभी 2000 के, कभी 2200 के, कभी 2400 और 2500 तक मेरे को मैक्सिमम मिला है। वन पिक वन ड्रॉप, जबरदस्त। और 4 माइल पे ही एवनेल पड़ता है न्यू जर्सी में, 4 माइल है वहाँ से, 2 ड्रॉप ईजी ड्रॉप है, आपको लगभग 3 घंटे में बिल्ला कर देते हैं वो, दोनों 3 घंटे में, दो पिक और 2 ड्रॉप के साथ। वन पिक टू ड्रॉप। हाँ जी। और कितना माइल रेडियस का आपको जाना पड़ेगा? 210 माइल चलता है ट्रक टोटल। वाह। वो आपको 2700, 2800, 2500, 2800 तक मैंने उसके लोड किया है। जबरदस्त। और ये स्केड्यूल आपने खुद पिक कर रही है, वीक में कोई उनके पक्के ट्रिप आई है? कोई पक्का ट्रिप नहीं है, एवरी डे। अगर आप छुट्टी करना चाहें तो कर सकते हैं, उनके एवरी डे ही लोड लगे होते हैं। वाह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त। जैसे 2200, 2000, 1800, 2200, 2500 में चले गए और 1500-1600 रुपए में वापसी, 1400 में वापसी है पक्की है सबकी, मिल जाती है। तो ये जो आप अभी लोड लेके आए, ये कहाँ से लेके आए अभी? ये मैं न्यू जर्सी से लेके आया हूँ। ठीक हो गया। न्यूयॉर्क के बॉर्डर पे है। ठीक है, मेरे 4 ड्रॉप है। ठीक है, अराउंड मेरा 100 माइल चल जाएगा सारा ट्रक। जबरदस्त। तो आप अपने ड्राइविंग अभी सुबह शुरू की होगी या रात को निकले? मैं सवेरे ही, कल आ गया था मैं यहीं पे रहता हूँ जैसम में। अच्छा, जैसम के पास। ठीक हो गया, कैटर्सविल में। अच्छा जी। तो ये लोड मैं यस्टरडे गया था $2000 में न्यू जर्सी। ठीक है। और वापसी मुझे मिला है $3400 का। $3400 का वापस लेके आए। कितने माइल का ये बनता है जी टोटल? 325 माइल चल जाएगा वापसी में। मेरा वापसी का खर्चा लगा लो मैक्सिमम $500 राइट? ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे मैं गया और आया, $3400 का आने का, $5400 की मेरी ट्रिप हो गई। $5400 में मेरा सब कुछ निकाल के भी मेरे लाइक 4500-4600 2 दिन में पड़ जाते। तो दो दिन में पर वेदर देख के चलाएं। हाँ जी, एक्टिव, बहुत जबरदस्त जी। मौसम देख के, होमवर्क करके, अब जहाँ भी जिस, चाहे लोकल कर रहे हैं या चाहे दूर निकले, तो आपको होमवर्क करके, चाहे लोकल चला रहा है चाहे लॉन्ग चला रहा है, ठीक, फर्स्ट अपना लुकिंग फॉर वेदर बस इट इज। जबरदस्त। तो आप ये बताइए कि ट्रैकिंग में आपका कितना एक्सपीरियंस, कितने साल हो गए? मुझे लगता है कि आपकी, मेरी इतनी उम्र नहीं है जितने आपके साल एक्सपीरियंस हो गए ट्रैकिंग। मैं 17 साल से इंडिया से इसी लाइन में हूँ, 17 ईयर्स ओल्ड का था मैं जब से मैं ड्राइविंग की लाइन में हूँ। राइट नाउ मैं 42 ईयर्स। मैंने कैसे, बिल्कुल ठीक किया ना कि मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो आप इंडिया में भी ड्राइव करते रहे माशाल्लाह, तो उधर भी ये ट्रक ट्रेला उधर भी ड्राइव किया आपने। और इधर अमेरिका में कितने साल हो गए फिर आपको ड्राइविंग में? मेरे को 10 साल हो गए ट्रक। 10 साल हो गए, वाह। देखें जाए कैसा हमारा इतफाक हुआ कि हम लोकल ट्रिप पे निकले थे, तो आप मेरे अपने बहुत ही ज़बरदस्त भाई से मुलाकात भी हो गई है, तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इंटरव्यू दी है। अगर आप भी ट्रकिंग में आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि जी ट्रक लें और आपको जी 5-5, 10-10 दिन बाहर ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल ये गलत है। और पंजाबी की कहावत भी आपने सुनी होगी कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग पे चलना पड़े, आप सुबह निकले शाम को वापस, एक दिन निकले दूसरे दिन वापस। और ये अर्निंग जो आपको बता रहे थे कि 4500 2 दिन में इन्होंने कमाए हैं,
बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं अगर आपने आना है तो होमवर्क करके आए, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा भाई जान, आपकी अपनी गाड़ी के बारे में तो बताइए नहीं कि ये गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं ये किस ब्रांड की है जी? ये वॉल्वो ब्रांड की है, बड़ी अच्छी ड्राइविंग है, स्मूथ ड्राइविंग है। अगर आप, मैंने इस ट्रक को कंटिन्यू ठीक है 1500 माइल चलाया। ज़बरदस्त। कई लोड मेरे सेंट लुइस मिज़ूरी से लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के होते थे। अच्छा, रियाल्टो के। अच्छा, तो मैं 1500 माइल कंटिन्यू चला के मैं सोता था किंगमैन अरिजोना 4 आवर्स। किंगमैन अरिजोना आते थे राइट? हाँ जी, 3-4 आवर्स सोता था सवेरे, रात को 2-3 बजे पहुंच जाना ठीक, और सवेरे 3-4 घंटे सो गए, और उसके बाद मैं चलाता था 5 घंटे की ट्रैकिंग 4 बजे जी 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 ठीक। तो बिल्कुल कंफर्टेबल, नो शोल्डर पेन, नो एनीथिंग, इज वेरी कंफर्टेबल गाड़ी, स्मूथ ड्राइविंग है इसकी, माशाल्लाह जबरदस्त, कार से भी जबरदस्त वेरी गुड। ये कितने हॉर्स पावर है सर? ये 475। और इसमें इंजन कौन सा डाला हुआ है? वॉल्वो, वॉल्वो का इंजन है। पे जब आपने ली थी तो कितने माइल थी और कितने की ली थी ये गाड़ी? उस टाइम मैंने ये 37,000 का लिया था, 1500 माइल था। अब इसमें 1,118,353 माइल हो गया ठीक है। और इसमें अभी अब उसी सेम इंजन पे चल रही है ट्रांसमिशन या आपने इसमें इंजन ट्रांसमिशन बनेगा? अभी 2 महीने पहले चेंज कराया कंपनी में, $16,000 दे के। 16,000 में ट्रांसमिशन जस्ट कराया है? ट्रांसमिशन डलवा के ठीक हो गया। 11 लाख पे मैंने चेंज कराया ट्रांसमिशन, 2 ईयर्स की वारंटी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, 11 लाख चलाए हैं तो फिर आपने ट्रांसमिशन डलवाया इसमें? हाँ जी। और ट्रांसमिशन डलवाने के बाद आपने 20,000 माइल इस पे ड्राइव कर चुके हैं? हाँ जी, कर चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त। कंपनी की तरफ से, वॉल्वो की तरफ से 2 साल की वारंटी है, अनलिमिटेड माइल ट्रांसमिशन की। जबरदस्त। और कुछ दोस्त पूछते हैं जी कि ये छोटी जो गाड़ी चलती है 1-1.5 लाख, तो ये 10-10 लाख चल जाती है, इतना मतलब है इसकी गाड़ी जो बड़ी इंजन वाली है? मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को बता सके कि कितने माइल ये ट्रक चलते हैं ना। देखो जी, आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं और ढंग से सही चला रहे हैं, टाइम पे इसकी ऑयल चेंज कराते हो, तो ये आपके हाथ में गाड़ी। वेरी गुड। गाड़ी भी एक इंसान है, इंसान की तरह, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर आप इसको इंसान की तरह साफ सुथरा करके बढ़िया करके रखोगे तो ये आपको कमा के देगा। अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगे, खड़ी कर देंगे बेजुबान समझ के, एसी चल रहा है गर्म हो रहा है, अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो ये आपको कभी भी धोखा दे जाएगी। वेरी गुड, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है जी कि इसको सर्विस कराओ। वेरी गुड। हर काम टाइम से चेक कराओ तो आपको कभी भी सड़क में धोखा नहीं देगी गाड़ी। जबरदस्त। और ये बताएं, आपने सर्विस की बात की तो कितने माइल बाद इसकी सर्विस करानी चाहिए? सर जैसे मैं पहले, मेरा 8 लाख चला हुआ था, चल चुका था ट्रक 8-8.5 लाख, तो मैं कराता था इसकी 20,000 माइल्स के बाद इसकी सर्विस करानी चाहिए। हाँ जी, जिसको पीएम सर्विस कराता था मैं। हाँ जी, पीएम सर्विस 18,000-20,000 रुपये कराता था। वेरी। अब मेरा ट्रक चल चुका है 11 लाख, तो मैं इसकी 12,000 रुपये करा देता हूँ ठीक हो गया, 13 रुपये भी करा देता हूँ, और कई बार 10,000 माइल पर भी करा देता हूँ, और 15 भी करा देता हूँ। जबरदस्त। आप कह रहे हैं कि जितनी जल्दी करा ले इतना ही अच्छा है, लेकिन वैसे जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 18-20,000 तक करती है माइल पे? कंपनी रिकमेंड करती है जो 2-3-4 लाख चले हुए ट्रक। मैं लगता है एपीयू यूनिट भी लगा हुआ आपके पीछे, राइट? एपीयू लगा हुआ है। हां जी, एपीयू लगा हुआ है। वेरी गुड। थर्मो का लगा हुआ है कैरियर का? कैरियर का बेकार है, कैरियर का ना लगाए, कैरियर का नहीं सही, तो थर्मो का बेस्ट है, थर्मो किंग का बेस्ट है। जबरदस्त, ठीक हो गया। आपसे मिलकर सर बहुत बड़ी खुशी हुई जी। मैं ये कहना चाहूंगा जिस भाई ने भी सर्दियों में हीट चलानी है, कृपया क्रूज लगा लें प्लीज, इससे आपके जो डैफ क्लीन होता रहेगा, डीफ फिल्टर। ओचो दोबारा प्लीज बताएं जी, क्या बोले जी इसमें जी? प्लीज जब भी आप एसी चला के सोए 2-4-6 घंटे तो क्रूज लगा लें, आरपीएम बढ़ा लें, आरपीएम बढ़ा के फिर आप सोएं। हाँ जी, फिर एसी भी ऑन रखें, अगर आपको बाहर सर्दी है तो हीटर भी आप क्रूज ऑन रख के करें, क्रूज ऑन कर लें जब भी आपने सोना है, 2-4-6 घंटे जब भी सोना है। जबरदस्त। इसमें क्या फायदा होगा जी? इससे आपका डीपीएफ क्लीन होता रहेगा साथ साथ। हाँ जी। और अगर आपने एपीयू लगाया फिर तो जरूर देंगे? फिर तो लोड नहीं, फिर अगर जिस दोस्त नहीं है, ठीक हो गया। जबरदस्त गाइस,
ये बात है एक्सपीरियंस की। ये भाई जान बता रहे हैं कि अगर आपने जब सोना है, अगर बाहर सर्दी है तो आपको ज़्यादा हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बाहर गर्मी है तो एसी की। तो आप कोशिश करें कि जब आप इसको ऑन रखें, और अगर आपकी गाड़ी में एपीयू यूनिट नहीं लगा हुआ तो आप इसका क्रूज़ ऑन कर दें। इसके साथ साथ जो डेफ होगा वो आपका क्लीन होता रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त भाई ने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, लाजमी इसको आपने अप्लाई करना है जी। थैंक यू, सस्रीकाल जी, सस्रीकाल, वालेकुम सलाम सभी भाइयों को, बहुत खुश, हर कास्ट की मैं इज्जत करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। इस डॉक पे बैकअप करके हमने ट्रेलर लगाना है, ये ऑलमोस्ट रेडी है और ये हमें करेंगे लोड। अभी हम बैकिंग लगाया है पिकअप वाली जगह पे जहाँ से हमने पिक लोड करना है, तो ऑलमोस्ट ये बैक लग गया। आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने हमें ये डॉक नंबर दे दिया है, डॉक पे लग गया ये बैक हमारा। अब ये कुछ ही देर में ये लोडिंग शुरू कर देंगे। को लगाएंगे सील, £44,000 इसका वेट था, तो मैंने सोचा इसको स्केल पे लेके चलता हूँ। £11,300, £32,800, £33,800, जबरदस्त जी। दोस्तों थोड़ी सी ट्रैफिक लगी है, जैसे ही हम पहुंचे बाल्टीमोर डाउनटाउन के पास तो ये ट्रैफिक लगना शुरू हो गई है। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आप ड्राइविंग और सेम टाइम में वीडियो किस तरह बना लेते हैं, तो मेरी सभी ड्राइवरों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें, बल्कि 100% इसका कैमरे का अगर आपने वीडियो बनानी है ड्राइविंग के टाइम, तो इसका स्टैंड है उस स्टैंड में लगा दिया करें। जो हाथ में पकड़ के ड्राइविंग करना, चाहे छोटी गाड़ी है तो या बड़ी गाड़ी है, तो बहुत ही डेंजरस है, तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो कानून वाला तो अब कह रहे हैं कि आप अभी इधर इंतज़ार करें, जैसे ही डोर अवेलेबल होगा वो हमें कॉल कर देंगे। नंबर वगैरह हमने उधर मेंशन कर दिया है, तो लगता है इधर वेट थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। दो ट्रक में मुझसे आ गए और तीसरा नंबर मेरा है, तो देखते हैं कब फारग होते हैं यहाँ से। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, ये रहा हमारा वेयर हाउस जहाँ पर हमें डिलीवर करना। आजो आजो आजो, आजो 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 आजो, वाह वाह वाह, गोड़ालियाँ गोगियाँ खा रही हैं, वाह 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 वाह। जितनी देर इंतज़ार करिए, चलो इन्हें ना दराज लवाइए ना। अब देखते हैं मुर्ग दाल खाएंगी या नहीं। ओके लेट्स सी, शायद नमकीन इनको पसंद ना हो, ट्राई करके देखते हैं।
ये भी कहाँ गई? बड़ी भूख लगी हुई है, ले ले इसको, मेरे मेरे पकड़ लो, ये ले ये ले ये ले ये ले। दोस्तों हमने बैक करके डॉक पे लगा दिया नंबर वन पे, देखते हैं ये कितनी देर लगाते हैं। अनलोडिंग शुरू हो गई है, उम्मीद है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी ट्रेलर्स खड़े हैं, ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है और जहाँ पे हम पहले खड़े थे वो फ्रंट साइड थी, अब इसकी बैक साइड। अच्छा दोस्तों हमारा लोड हो गया बिल्कुल कंप्लीट, हमने डोर की कर दी है बंद, ट्रक वो खड़ा, अब हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। वहाँ घंटा डेढ़ लग जाएगा, थोड़ा रश भी है। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हम सुबह स्टार्ट लिया था उसी यार्ड में आज वापस इंशाल्लाह पहुँच आए हैं। आज की डेट सेम डेट और टाइम 5:38, सुबह निकले थे आई थिंक 6:20 पे, 5:38 12 घंटे पूरी शिफ्ट लग गई। आज मुकम्मल दिन दिखाया मैंने आपको कि जहाँ से हमने लोड पिक किया फिर हमने ड्रॉप किया। ये अपने स्टाइल पर डिपेंड है, अपने काम के तरीके पर डिपेंड है। कोई बंदा एक ही शॉट लगाता है और छक्का, और कहीं जो है सिंगल डबल। आपकी नई गाड़ी है और आपके पास टीम है तो आप लॉन्ग चले, अगर आपके पास गाड़ी थोड़ी पुरानी है और आपके पास कोई ड्राइवर्स वगैरह नहीं है तो आप लोकल रह के भी आप इंशाल्लाह अपना गुजारा कर सकते हैं। लिहाजा दुआ में याद रखिएगा, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।